क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT News चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। और मेरे घर वालों को भी आप बहुत पसंद है और हमारे बड़े बड़े लोगों को आप बहुत पसंद आते हैं। हम आपको हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नरेट के अंदर मीर चौक पुलिस स्टेशन मीर चौक ACP जानिब से इंस्पेक्टर मीर चौक उनका टीम एक काला जादू नोटोरियस चीटर मेहताब हुसैन और इलियास आदिल उनको अरेस्ट के गिरफ्तार कर दिया। इसका बीबी शकीना फातिमा और जो आदमी कुछ पैसा का मामला में एक जंगली यूसुफी APD एक्ट डिटेन्यू भी था, ये तीन आदमी को अरेस्ट करके आज ये कोर्ट के सामने जुडिशियल के सामने रख रहा है। ये आदिल ये मेहताब हुसैन पूरा हैदराबाद में ज्यादा लोगों कभी कभी डोजन से ज्यादा लोग को डुबाया। उनका मानवातीत सुपर नेचुरल पावर्स थे इनके पास। अगर ये काला जादू ये चांट पड़ेगा तो मंत्र पड़ेगा तो ये पूरा निजाम मैसूर टिप सुल्तान का खजाना निकालता, थाउजेंड्स हजारों को क्रॉस मिलता है। तो ऐसा ज्यादा लोगों को चीट कर दिया, ज्यादा लोग आगे नहीं कर सका क्योंकि इससे बहुत डर है। कई रवड़ी सिटियों को भी उनको डरा रहे। एक रुस्तुम पटेल था याकूतपुरा पुराना शहर में, बहुत बहुत बिजनेस था इनके, फंक्शनल बंडलगुड़ा। ये पूरा बेचकर 10 साल से इसका इफेक्ट में आकर करोड़ों रुपए उनको दे दिया। वो आज ये खजाना निकल रहा है, कल निकाल रहा है, कुछ पैसा कम है, कुछ टाइम का हालत अच्छा नहीं। एक राइस पुलिंग भी ऐसा थोड़ा टेस्ट करके कर दिया, वो भी थोड़ा मैग्नेट करके कर दिया। छोटा मोटा कन्विंस करने के लिए लगाया, पैसा अगर पूछेगा तो वो एयर पिस्टल से ये नॉर्मल पिस्टल तरफ है वो दिखा रहे, मेरा आर्म्स लाइसेंस है ऐसा। और एक इंटरेस्टिंग इश्यू, एक लेडी बेंगलुरु का था, बेदर का। ये लेडी 400 साल का पहले एक महारानी थी। ये लेडी का टाइम में जो आदमी कंप्लेंट है, रुस्तुम पटेल हो दूसरा हो, उनका बोलते हैं ये प्यार लव लेटर लिखा है हिंदी में, तुम बहुत पसंद है 4 साल 4000 ईयर्स सौ का 4000 के साल के आपको देख रहा हूं, अभी आपको मिल गया मेरा 7000 को करोड़ से खजाना आपके देने चाह रहा हूं। तो एक फोटो लगा के ये रुस्तुम पटेल इतना एजड है लेकिन ये इफेक्ट में आया। सो ऐसा कभी कभी राइस पुलिंग, कभी कभी चीटिंग, कभी कभी मंत्र ट्रेजरी टोल्स, कभी कभी ये लेडी का मामला आया, नया तरीका चीटिंग। तो ऐसा लाखों के रुपए सभी लोगों से ले लिया। ये आदिल से भी बहुत पैसा ले लिया, अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे। वो लैविश एक्सपेंडिचर है, वो शकीना बीबी फातिमा से ये लोग बहुत बहुत लग्जरियस 5-स्टार होटल में हांगकांग सिंगापुर मलेशिया जा रहा है।
सो बिल्डिंग भी बना दी, एक दो दिन ये पैसा लेके दो बिल्डिंग भी बनाया। तो अभी ये रुस्तम पटेल कंप्लेंट में चीटिंग एंड ब्लैक मैजिक रेमिडीज एक्ट आर्म्स एक्ट के इन्वेस्टिगेशन करके 10-15 दिन से ये कॉम्प्लिकेटेड केस है। वो डीसीपी एसीपी मीर चौक, इंस्पेक्टर मीर चौक, एडिशनल डीसीपी जानिब से वो बहुत मेहनत करके 13.5 लाख सीज कर दिया। ये 8.5 लाख जंगली एक रौडी शीटर था मल्लेपल्ली एरिया में, उनके थ्रो दे दिया। ओनली ये जंगली यूसुफ का ये चीटिंग का कोई ताल्लुकत नहीं, लेकिन बीच में 8.5 लाख लेने में कुछ ही धमकी दे दिया। तो रौडी शीटर है, पीडी एक्ट में गए, वो फिर क्यों आया ऐसा करके हम उन लोग इनको भी अरेस्ट कर दिया। छोटा केस है लेकिन अरेस्ट करा। तो मेन आदमी ये आदिल मेहताब हुसैन, उनका वाइफ शकीना फातिमा, ये दोनों को और पुलिस कस्टडी में लेके कितने लोगों को डुबाया, कितने करोड़ ले लिया, अगर जरूरत है तो वो सीसीएस को भी ट्रांसफर करेंगे केस। और ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने में कितना ह्यूमन राइट्स को जाते हैं, लायर्स और प्राइवेट केस डालते हैं, व्हाट्सएप में भेजते हैं। वो जान पूछ कर जो आदमी व्हाट्सएप में करके इन्वेस्टिगेशन डैमेज करने के लिए कोशिश करेगा तो उन लोगों को भी एक्शन ले लेंगे, क्योंकि इतना लोगों को डुबाया नया तरीका से, खजाना कैसे मिलता, 4000 साल का लेट से आते, वो पिक्चर्स नहीं है ना आजकल, कोई आदमी को सुपर नेचुरल पावर्स नहीं होता, मानवातीत शक्ति किसी के पास नहीं है। तो ऐसा लेकर ये ट्रेजर गया है, वो टिपू सुल्तान का, निजाम का, आसिफ जाही का, कुतुब शाही का, ऐसा डुबा के पैसा ले रहे हैं। लोगों को हम गुजारिश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, ऐसा लोगों को नहीं मानना चाहिए। तो हम जो आदमी का और डीप इन्वेस्टिगेशन करके अगर चाहेंगे तो उनको पीडी एक्ट भी लगाएंगे। वो जंगली यूसुफ क्या है, इस बीच में आके 8.5 लाख इससे ले लिया ये देने के लिए, तो ये भी जंगली यूसुफ के पास सीज करके कोर्ट में सबमिट कर रहा है। ये पैसा पूरा कंप्लेंट का है, कंप्लेंट को जाता है।